मोटिवेशन की दुनिया में अगर कुछ अलग नया और प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। क्या फर्क है अमिताभ बच्चन में और बाकी एक्टर्स में, क्या फर्क है सचिन तेंदुलकर में और बाकी एक्टर्स में, आज मैं आपको बताऊंगा। सो उस दिन हुआ कुछ ये, मैं खड़ा था रास्ते पे अपने दोस्त के साथ, कैजुअली बात कर रहा था और मैंने देखा कि एक लाल गाड़ी में मेरा एक और दोस्त, जो आज टच में नहीं है बट स्कूल में मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, मैंने उसको देखा तो मैंने उसको हाथ दिया, जैसे हम किसी पुराने दोस्त को हाथ देते हैं, स्माइल करते हैं, उसको मैंने हाथ दिया। आपको पता है उसने मुझे कैसे हाथ दिया? ऐसे, मतलब उनका जो चेहरा था वो उस साइड था और उनका हाथ मेरी तरफ था। आई वॉज लाइक वाओ। माई होल पॉइंट इज, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ भी किया नहीं होता है, उम्र होती है 18, 19, 20, 21 साल, अपने माँ बाप के पैसों पे उड़ते हैं वो, एंड घमंड बहुत ज्यादा, अकड़ बहुत ज्यादा, अहम बहुत ज्यादा। यार टैलेंट आप में 0 है, टशन आप में 100%। मतलब मैं ये नहीं करूं कि अकड़ मत दिखाओ, आइडियल केस में किसी भी इंसान को, किसी और इंसान को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, अहम नहीं दिखाना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड कि कंपैशन और काइंडनेस कितनी खूबसूरत चीजें हैं, आप किसी और इंसान को कभी अपना वो नेगेटिव साइड नहीं दिखाओगे। पर अगर आपको इतना ही शौक है उस अकड़ को, उस घमंड को दिखाने का, तो प्लीज उसको कमाओ, अर्न दैट एटीट्यूड, उस अकड़ को, उस अहम को कमाओ। यू नो, हम अमिताभ बच्चन साहब को ग्रेट एक्टर तो बोलते ही हैं, पर हम उनको ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं, बिकॉज वो जितने महान हैं, यू नो, जितने उन्होंने महान काम किया है, जितना वो लाइफ में ऊपर गए वो उतने ही हम्बल बनते गए। सचिन तेंदुलकर साहब ने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं बट कभी वो ये नहीं बोलते कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। वो अपने दोस्तों को, एंड यू नो इवन इन पब्लिक लाइफ में उनकी इमेज बहुत ही एक हम्बल इंसान ही है। यू नो बराक ओबामा हम देखते हैं कि हर इंसान से हाथ मिलाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहते हैं ना, आपका कैरेक्टर इससे नहीं झलकता कि आप किसी बड़े इंसान को कैसे ट्रीट करते हो। हर बड़े इंसान को हर छोटा इंसान ढंग से ही ट्रीट करेगा, बट अगर आप सच में बड़े हो तो आप कितने भी लाइफ में बड़े हो जाओ, यू नो आउटसाइड लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, बट आप दूसरे इंसान को, चाहे वो लाइफ में उसने कुछ किया हो नहीं किया हो, बट आप उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हो और आप उसको कंपैशन दिखाते हो। आप हर इंसान को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसको सेम लेवल पे उसको आप ट्रीट करते हो। दैट्स अ साइन ऑफ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बट नहीं, हमको तो यार, हम गाड़ी पे जाते भी है ना, सामने से अगर कोई इंसान आ जाए तो हम उसको भी आंखें दिखाते हैं, वो भी आपको आंखें दिखाएगा, एंड दैट्स हाउ वी लिव। क्या प्रॉब्लम है अगर यू नो, अगर आपकी गलती है या शायद नहीं भी है, पर अगर आप सॉरी बोल दोगे उस टाइम पे, स्माइल करके सॉरी करके, यू नो, एंड वहां से निकल जाओगे, सारा दिन आपका अच्छा हो जाएगा। पर नहीं, हम बहस करेंगे, उसका भी दिन खराब जाएगा, आपका भी दिन खराब जाएगा, पर हम अकड़ तो दिखाएंगे, बिकॉज हम में अकड़ तो कूट कूट के भरी है। सो गाइज, माई होल पॉइंट इज, लाइफ में यू नो, हम कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे ज्यादा फल होते हैं वो और झुकता है। आइडियल केस में किसी इंसान को, किसी और इंसान को, खासकर अपने दोस्त को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, किसी भी इंसान को अहम नहीं दिखाना चाहिए। पर अगर आप में अहम है, अकड़ है, वो एटीट्यूड है, तो उसको पहले कमाओ। अकड़ कमानी पड़ती है, आइडियल केस में किसी को मत दिखाना, बट अगर दिखा रहे हो ना, अर्न इट, अर्न योर एटीट्यूड। ये था आज का मैसेज। दिस इज वीर विजय सिंह। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया हो डिसलाइक कर देना, आपके क्या विचार हैं इससे मुझे बताइए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ वीर विजय सिंह, आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।